Shoeby Grammar School, Montessori the Matric English Medium. खूबसूरत, आरामदा और पूरा साइज मॉन्टेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक ऑडियो वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक, फोन 02133661749, 02136406946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2A। क्लास 7 के स्टूडेंट्स पेज नंबर मैथ में पेज नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फाइंड द यूनियन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग कुछ सवालात हैं जो आपके असाइनमेंट मौजूद हैं, ए बी सी डी। फाइंड द यूनियन, क्वेश्चन ए आपके पास दिया हुआ है, उसमें सेट ऑफ ए और सेट ऑफ बी, सेट ऑफ ए 1 3 5 7 9, सेट ऑफ बी 2 4 6 8। ए का सेट है जो फाइव फर्स्ट फाइव ओड नंबर है और बी का सेट है जो फर्स्ट फोर इवन नंबर है। और आपको आपको सवाल अपने क्वेश्चन में देखें, ए में ए फाइंड द यूनियन ऑफ द सेट, दो सेट के दरमियान यूनियन मालूम करना है। बहुत सॉल्यूशन करें, ए यूनियन बी लिख दिया आपने, 1 3 5 7 9 यूनियन 2 4 6 8। बीच में क्योंकि दोनों सेट के दरमियान यूनियन मालूम करें, फाइंड द यूनियन, तो फर्स्ट आप क्या साइन डालेंगे, आप यूनियन का साइन डालेंगे। दोनों सेट आपने उतार दिया, आपके पास गिवन है सेट ऑफ ए सेट ऑफ बी, दोनों सेट के दरमियान यूनियन में दोनों सेट के तमाम मेंबर्स को लिखते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ सेट, तमाम मेंबर्स को जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हो उसको ऑर्डर वाइज लिख लें, तरतीब से लिख लें, 1 3 5 7 9 और यहाँ 2 4 6 8 10। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9, यहाँ दोनों सेट में ये नंबर ये मेंबर्स मौजूद हैं, ये हमारा यूनियन हो गया। इसके जो नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये सवाल बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे, आप यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के तमाम मेंबर्स को लिखते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे, आप जब सॉल्व करें इसको सॉल्यूशन करें तो आप दोनों सेट के तमाम मेंबर्स को ऑर्डर वाइज लिख लें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कुछ सेट दिए हुए हैं आपके पास ए बी सी डी जो आपके असाइनमेंट में मौजूद है। इसमें एक सवाल मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, सेट ऑफ ए ए बी सी डी ई, सेट ऑफ बी ए सी ई जी आई, ये अल्फाबेट के सेट दिए हुए हैं, सेट ऑफ ए सेट ऑफ बी, यू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का जो उलट होगा ना वो इंटरसेक्शन होगा, यू आप जैसे लिखते हैं यू उसका यू कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। इट्स मीन कि ए इंटरसेक्शन बी, आपको ए का सेट उतारा आपने, बी का सेट उतारा आपने, इन दोनों सेट के दरमियान यूनियन कर रहे हैं, तो दोनों सेट में यूनियन कैसे करते हैं कि कॉमन मेंबर को लिखते हैं, बोथ कॉमन मेंबर बोथ सेट, दोनों सेट के जो कॉमन मेंबर हैं उनको लिखा जाता है जो दोनों सेट में मौजूद हो। आप चेक करें, ए है ए बी इस सेट में भी है, बी है बी नहीं है नहीं लिखा आपने, सी है सी यहाँ पर भी है आपने लिख दिया, डी नहीं है नहीं लिखा आपने, ई है ई लिख दिया आपने, इसका मतलब है ए सी ई जो है ये दोनों सेट के अंदर है, लिहाजा ये इंटरसेक्शन कहलाता है हमारा, कि दोनों सेट के जो इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन मेंबर को लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, फाइंड द डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे अपने बुक के अंदर पेज नंबर 4 में, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग व्हेन, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मालूम करना है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, आपके असाइनमेंट में कुछ सवाल दिए हुए जो आप अपने असाइनमेंट से करेंगे, इसको देख लें, सेट ऑफ एक्स सेट ऑफ वाई सेट ऑफ जेड,
सेट ऑफ एक्स में 1, 2, 3, 4, सेट ऑफ वाइट में 1, 3, 5, 7, 9 और सेट ऑफ जेड में 5, 7, 8, 9। ये तीन सेट है आपके पास और आपको डिफरेंस मालूम करना है। माइनस का साइन दिया, डिफरेंस मतलब माइनस एक्स माइनस वाई, इन दोनों दरमियान का डिफरेंस क्या होगा। 1, 2, 3, 4 सेट ऑफ एक्स, माइनस का साइन दिया क्योंकि डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, वाई का सेट डाला है। डिफरेंस में याद रखें जो सेट से आप सेट एक्स से सेट वाई को माइनस कर रहे हैं। माइनस कौन सा होता है, कौन सा नंबर मेंबर होगा, जो सेट कॉमन होगा उसको आप कैंसिल कर दें, जो सेट कॉमन होगा उसको आप कैंसिल कर दें, वो हमारा डिफरेंस कहलाएगा। देखिए 1 एक्स में भी है, 1 यहाँ पर भी है, आपने क्या किया इन दोनों को माइनस कर दिया, यानी कि कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2 उतर गया क्योंकि 2 यहाँ मौजूद नहीं है। 3 माइनस हो गया, दोनों में है, मौजूद है कॉमन, यानी आप समझ लो कॉमन सेट को कैंसिल आउट कर देंगे। 3, 3 कैंसिल हो गया, काट दिया, आप काट भी सकते हैं। 4 उतर गया। अब यहाँ पर 5, 7 बचा तो 5, 7 नहीं उतारेंगे क्योंकि हम x से y को डिफरेंस माइनस कर रहे हैं, तो हम डिफरेंस मालूम कर रहे हैं x माइनस वाई। लिहाजा इस सेट के जो मेंबर्स होंगे इस सेट से माइनस होगा या कॉमन जो होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे और जो मेंबर बच जाएगा उसको उतारेंगे, लेकिन भी दूसरे वाले सेट से नहीं उतारेंगे। ये हमारा चैप्टर यूनिट जो है 1 ये कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन 1, 2, 3 आप अपने असाइनमेंट में चेक करेंगे 1.2A में, और इसके 3 सवाल हैं क्वेश्चन 1, 2, 3, बाकी आप अपने असाइनमेंट में देखें। क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 1.2B पेज नंबर 6 में आप देखें, सॉल्व द फॉलोइंग व्हेन, सॉल्व द फॉलोइंग इफ या व्हेन, जो ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, ए के ऊपर आप बार लगा दें तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे इसमें, आपके पास अपने बुक में देखें पेज नंबर 6 के अंदर, सॉल्व द फॉलोइंग इफ यूनियन सेट ऑफ यूनिवर्सल दिया हुआ है, यू फॉर यूनिवर्सल नॉट फॉर यूनियन, सेट ऑफ यूनिवर्सल है 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60 और सेट ऑफ बी 5, 10, 15, 20, सेट ऑफ डी 10, 20, 30, 40, 50, 60, सेट ऑफ बी 20, 25, 30, 35, 40, सेट ऑफ ई 4, 5, 4, 15, 25, 35, 45, 55, सी 5, 20, 25, 30, 35। ये आपके पास सेट दिए हुए हैं जो आपके अपने बुक में आपको नजर आ जाएगा, पेज नंबर ये सारे सेट दिए हुए इस तरीके से, ठीक है जी, आप अपने बुक में देख लें। और इसमें कुछ सवालात हैं जो आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, आप उससे सॉल्व कर लें, और मैं एक आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। इसको कहते हैं डैश या कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट जो बार लगाते हैं एक ऊपर स्ट्रेट लाइन में उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ए बार या ए डैश। सॉल्यूशन करें किस तरह सॉल्व करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट में से जब किसी भी सेट को माइनस करें, व्हेन यू ऑलवेज माइनस यूनिवर्सल सेट ऑफ एनी मेंबर, एनी सेट, किसी भी सेट को जब आप यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट से किसी भी सेट को आप माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप। तो देखें यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करें, क्योंकि ए मालूम, अगर B दिया हो तो B मालूम करेंगे, C दिया हो तो C करेंगे। आपके पास जो भी गिवन दो उस गिवन के अंदर आप ये कर लेंगे कि यूनिवर्सल में से A सेट को आप माइनस कर दें, माइनस करें। यहाँ सेट ऑफ A यूनियन दिया हुआ है, यूनियन यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और माइनस में A लिखा हुआ है क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं, तो माइनस का साइन दे दिया और आपने 5, 10, 15, 20 लिख दिया। अब देखें आप अब इसमें करेंगे क्या, माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट से जो मेंबर हैं उसको माइनस करेंगे, उससे माइनस करेंगे सेट ऑफ ए को और ये हम कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो माइनस करें, माइनस में एक कॉमन मेंबर जो होता है ध्यान में रखें, कॉमन मेंबर जो भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 5 है कॉमन है, कैंसिल कर दिया, 10 है कैंसिल कर दिया, 15 है कैंसिल कर दिया, 20 है कैंसिल कर दिया। इसका मतलब सेट यूनिवर्सल में से जो कॉमन मेंबर थे उसको कैंसिल कर दिया, जो मेंबर सेट यूनिवर्सल सेट में बच गए हैं वो माइनस नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, उसको आपने उतार दिया। देखो 25 से बच गया, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, क्योंकि वो कॉमन नहीं था। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया जो आप ए के ऊपर ऐसे लगाने बार। क्लास सेवन मैथ्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर आप देखें 1 में आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, इसके 3 सवाल हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए ए बी सी, पेज नंबर 18 पे देखें एक्सरसाइज नंबर 2.5 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस में 4/5 डिवाइडेड बाई अंडर ब्रैकेट माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 4/5 माइनस में वैल्यू है
माइनस में वैल्यू है, डिवाइड करना है माइनस थ्री के साथ, ब्रैकेट खोलें माइनस में फोर अपॉन फाइव, ये डिवाइड के जो साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, चेंज करें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में। जब ये आप चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर को डोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे। देखिए थ्री है, थ्री के नीचे हमेशा जो है अगर कोई नंबर ना हो तो इस मीन के उसका डिनोमिनेटर वन है, इस मीन के इसके नीचे वन है, तो क्या हो जाएगा वो वन ऊपर जाएगा और माइनस थ्री नीचे आ जाएगा, वन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो माइनस थ्री नीचे आ गया वन। अब देखें यहाँ पर माइनस में फोर अपॉन फाइव, क्वेश्चन देख लें आप, फोर अपॉन फाइव माइनस का थ्री दिया हुआ है इसके, तो इसमें हम क्या करें उसमें आप फिर आप देख लें कि माइनस फोर मल्टीप्लाई वन, ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे नीचे के साथ मल्टीप्लाई, फोर वन ज़ा फोर प्लस ये भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन। अब देखें फोर की टेबल में फिफ्टीन नहीं है और फिफ्टीन की टेबल फोर नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा है, लिहाजा आपके फोर वन ज़ा फोर, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, दोनों का माइनस कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, तो फोर अपॉन फाइव आंसर आ गया इसका। इसका सेकेंड क्वेश्चन भी देखें, बी माइनस में वन अपॉन एट डिवाइडेड बाई थ्री अपॉन फोर, वन अपॉन एट, आपका भी मैंने कहा कि डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल दें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। आप देखें क्रॉस में, यहाँ पर क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, फोर के टेबल में एट कर लें, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, आपने कैंसिल किया। अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस में वन अपॉन टू, यहाँ आ गया माइनस में वन अपॉन थ्री, माइनस वन अपॉन टू और वन अपॉन थ्री, मल्टीप्लाई करें वन वन ज़ा वन, टू थ्री ज़ा सिक्स आंसर। इसके क्वेश्चन नंबर आपके असाइनमेंट में मौजूद है, उसको आप देख के बना लें। एक्सरसाइज 2.7 में देखें, सॉल्व है 2.7 में, आप अपने बुक में देखें, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स यूज इन फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स यूज इन फॉलोइंग, फाइव अपॉन नाइन। इसमें आप क्वेश्चन नंबर टू में देखें, अब टू में जो दिया हुआ है उसका वो करना है हमें, वन नहीं करना। पेज नंबर आप 22 में देखें, एक्सरसाइज नंबर है आपका 2.7, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इसमें जो क्वेश्चन है आपके पास वो ए बी सी है, या आप अपने अपने असाइनमेंट में देख लें, इसको सॉल्व कर रहे हैं। माइनस में 7 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 14 मल्टीप्लाई माइनस में 5 अपॉन 4 इक्वल, इक्वल मीन लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड आर सेम, लेफ्ट साइड और राइट साइड जब आपका सेम होगा उसको कहेंगे इक्वल, चाहे वो हाइट में हो, चाहे वेट में हो, चाहे लेंथ में हो, किसी हवाले से हो, इक्वल होना चाहिए। तो सेवन अपॉन, आपको इसको प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड जो है इक्वल कैसे है राइट साइड से, और यहाँ पर दिया हुआ राइट साइड में माइनस सेवन अपॉन एट मल्टीप्लाई टू अपॉन फोर्टीन मल्टीप्लाई माइनस में फाइव अपॉन फोर। इस सॉल्यूशन करने में सबसे पहला हम काम करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लें और साथ साथ राइट हैंड साइड भी चल लें अगर करना है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड किस तरह आ रहा है, बिल्कुल इस तरह बीच में ले लें ताकि आपको यहाँ नजर आए, बिल्कुल स्ट्रेट चला लें अपने कॉपी पे। देखें माइनस में यहाँ पर टू के टेबल में कर लें, सेवन की टेबल में फोर्टीन, सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, और टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, और टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट। अब देखें माइनस में वन अपॉन फोर और वन अपॉन टू, अब आप क्या करें यहाँ पर माइनस में फाइव अपॉन फोर वैसे उतार दिया आपने, अभी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करें, माइनस है, अब हमारे पास माइनस माइनस दोनों क्या किया हमने, ये कैंसिल आउट कर दिए यहीं से और टेबल करें, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव, क्योंकि ऊपर सब मल्टीप्लाई हो रहा है लिहाजा मल्टीप्लाई करें, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव आ गया, फिर फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, फोर टू ज़ा एट और एट फोर ज़ा, फोर टू ज़ा एट और एट फोर ज़ा थर्टी टू, माइनस का साइन कैंसिल कर दिया, आंसर क्या है इसका फाइव अपॉन थर्टी टू। इस तरह इसका राइट हैंड साइड ले लें, अब राइट हैंड साइड में आप लिखें यहाँ पर राइट हैंड साइड, ठीक है जी, माइनस में सेवन अपॉन एट अंडर ब्रैकेट टू अपॉन फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई माइनस फोर फाइव अपॉन फोर। देखिए ये ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व कर लें इसको, ब्रैकेट को माइनस में ये टू अपॉन फोर्टीन माइनस में फाइव अपॉन फोर, टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, और टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, आपके पास फोर है लेकिन फाइव के टेबल फोर्टीन से नहीं कैंसिल आउट हो रहा, तो आप क्या करें इसको कर लें, फिर माइनस में सेवन अपॉन एट ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई का साइन दिया, अब यहाँ पर माइनस में है या वन है, फाइव वन ज़ा फाइव, वन अपॉन टू उतार दिया आपने,
उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, आप देखें यहाँ पर जब आप ब्रैकेट खोल के आप देख रहे हैं तो आपके पास 5 × 5 और यहाँ पर आ गया 14, क्योंकि वहाँ पर 2 आ गया था। अब देखें यहाँ पर 7 की टेबल में 14 कर लें, 7 × 7 7 × 2 जा, ये देखेंगे यहाँ से 7 × 7 7 × 2 जा 14, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 1/8 1/2 5/2। अब यहाँ पर जो बच गया है उसको टेबल करें, 5 × 5, अब से दोनों का माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, ऊपर ऊपर नीचे भी कैंसिल हो सकता है, माइनस 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 कैंसिल, 5 × 5 5 × 5 8 × 16 8 × 16 16 × 32 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूफ। ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में मौजूद है, जो हम इसको प्रूफ करेंगे।